साथियों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि हमारे देश में जो राज्यों के अलग अलग जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं या जो प्रधान होते हैं, वो एक महीने में कितना रुपए निकालते हैं, कितना रुपए उनके खाते में आते हैं। चलते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रोम पे, यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे eGramSwaraj.gov.in। ये लिंक हमने वीडियो में दे रखा है। सबसे ऊपर वाली वीडियो लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुलेगा, ऑफिशियल पेज ईग्राम स्वराज का। इसमें ढेर सारी चीज़ों की जानकारी दी है, आप एक एक करके अलग अलग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको धीरे धीरे, इसमें रिपोर्ट्स में जो हैं, जो गांव की रिपोर्ट्स होती हैं, जिला पंचायत की रिपोर्ट्स होती हैं और अपने ब्लॉक की रिपोर्ट्स होती हैं, वो अलग अलग दी होगी। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग पे ये छः ऑप्शन खुल जाते हैं, जिस पे हम नीचे थर्ड नंबर वाले पे अकाउंटिंग एंट्री वाइज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें ये ऑप्शन खुलेंगे। इसमें हम सेकेंड नंबर पे आएंगे कैश बुक रिपोर्ट पे, इस पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये डैशबोर्ड खुल के आया जिसमें हम मंथ वाइज रिपोर्ट देखना चाहेंगे, मंथ वाइज पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 2020-22 या 22-24 या जितना भी हमको देखना है, जो भी जिस ईयर का देखना है, 17-18 का, 18-19 का। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, हम यूपी के हैं, एमपी के हैं, केरला के हैं, लद्दाख के हैं, तमिलनाडु के हैं, जिस भी स्टेट के होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री सर्च करेंगे, विलेज की चाहिए हमें, ज़िले की चाहिए या किसी नगर पंचायत की चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यूपी सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किया जैसे कन्नौज, कन्नौज में ब्लॉक्स सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक ब्लॉक जो हमारा ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉक में से किसी भी विलेज को, जो हमारे ब्लॉक के अंदर जो विलेज आता है, हमारा जो गांव आता है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम किस मंथ की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमारे प्रधान के खाते में या अध्यक्ष के खाते में कितना रुपया आया, दिसंबर का हम जैसे देखेंगे। इसके बाद हमें कैप्चा फिलअप करना है और इंटर कर देना है। यहाँ हमारे सामने पीडीएफ के रूप में एक कॉपी खुलेगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे गांव के खाते में कितना रुपए आया, कितना रुपए गया। ये साइड में जो दाहिनी तरफ एंट्री दी हुई है, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कितना रुपए आ रहा है, एक महीने में 2 बार आया, 3 बार आया, कितना रुपए क्रेडिट हो रहा है। इस प्रकार हम अपने गांव के ग्राम पंचायत के खाते में देख सकते हैं कि कितना रुपए आ रहा है, कितना रुपए व्यय हो रहा है। ये सारी रिपोर्ट हम अलग अलग महीने की मंथली वाइज चेक कर सकते हैं। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।